दोस्तों, मैं हूं नितेश और आज हम जानेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्या होता है क्रिएटिन और उसका इस्तेमाल कौन करता है और क्या काम करता है क्रिएटिन हमारे बॉडी में, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते और जानते हैं। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बॉडी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, खासकर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल तौर पर हमारे मसल्स और दिमाग में होता है और मुख्यतः यह प्रोटीन रिच फूड जैसे मीट, फिश, ये सब से मिलता है। सप्लीमेंट फॉर्म में क्रिएटिन का इस्तेमाल एथलीट या फिर बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह मसल मास बढ़ाने और स्ट्रेंथ इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार होता है। क्रिएटिन के बेनिफिट कौन कौन से हैं? तो मसल ग्रोथ में यह काफ़ी मदद करता है। क्रिएटिन मसल सेल में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जो मसल साइज को टेम्पररी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। और दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यह इम्प्रूव परफॉर्मेंस या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं या ज़्यादा रेप्स कर सकते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है क्विक रिकवरी। वर्कआउट के बाद रिकवरी टाइम को कम करने में क्रिएटिन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्रिएटिन के अगर इतने सारे बेनिफिट हैं तो साइड इफेक्ट जरूर होंगे। क्रिएटिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिएटिन को सही डोज में लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यह ओवर यूज या फिर सही तरीके से न लेने पर कुछ लोगों में इसका साइड इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे स्टमक अपसेट, डिहाइड्रेशन या मसल क्रैम्प, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या फिर आपका जो न्यूट्रिशियन होता है उससे कंसल्ट करना हमेशा ज़रूरी होता है। जनरली इसकी डोज 3 से 5 ग्राम पर डे किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए सेफ होता है शुरुआती दौरान में। बाद में आप इसका जो ग्राम का साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।